बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने झुंझुनू के खेतड़ी में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बसपा चुनाव को लेकर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करती है। उन्होंने विरोधी पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस और भाजपा दलित, आदिवासी और पिछड़ों का उत्थान नहीं कर पाई है। अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके राजस्थान प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में या किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया।